Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. I am Ankit. So, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरा फुल बॉडी ग्रूमिंग रूटीन। पिछले कुछ टाइम से मैं अपनी बॉडी पे बहुत ज्यादा वर्क कर रहा हूँ, जिम भी रेगुलर जा रहा हूँ, फेस्टिवल्स का टाइम भी आ चुका है, तो मैंने सोचा एकदम सही टाइम है अपनी बॉडी को ग्रूम करने का। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी फुल बॉडी ग्रूमिंग रूटीन शेयर करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं अपनी बियर्ड को देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा बढ़ गई है और मेरे नेल्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और मेरी जो चेस्ट के बाल हैं वो भी काफी ज्यादा ग्रो हो चुके हैं। वैसे तो मैं अपनी बॉडी के हेयर हर 15-20 दिन में एक बार कट करता हूँ, बट मेरी जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा ही तेज है, तो हर जगह मेरे बाल आ जाते हैं आराम से। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ बालों में ऑयलिंग करने से। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वाव स्किन साइंस का आर्गन हेयर ऑयल। ये बेस्ट काम करता है इस समय के वेदर के लिए, क्योंकि बालों में बहुत ज़्यादा फ्रिजीनेस हो जाती है। थोड़ा सा ऑयल लगा करके अपने बालों की और स्कैल्प की अच्छे से मसाज करिए और एक्स्ट्रा ऑयल को अपने हाथों में लगा लीजिए। इसके बाद बारी आती है बियर्ड को ट्रिम करने की, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मेरा न्यू फेवरेट फिलिप्स का 4000 सीरीज का ट्रिमर। ये 12-in-1 ट्रिमर है जिससे आप अपनी पूरी बॉडी के बाल आराम से ट्रिम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपनी बियर्ड को ट्रिम करूंगा, 3 नंबर पे सेट करके जितने भी एक्स्ट्रा बाल है उनको हटा दूंगा। उसके बाद जो कैप है उसको मैं रिमूव कर दूंगा और सिर्फ ब्लेड से मैं अपनी बियर्ड को एक शेप दूंगा। इसकी जो ब्लेड है वो बहुत ज्यादा स्किन फ्रेंडली है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि आप कुछ हार्श ट्रिमर यूज कर रहे हैं, एंड बियर्ड को शेप देना बहुत ज्यादा इजी और फन हो जाता है। इसके बाद मैं अपनी पूरी बॉडी के हेयर रिमूव करूंगा, क्योंकि मुझे अपनी चेस्ट के बाल पूरी तरह से हटाने हैं इसलिए मैं कैप नहीं यूज कर रहा हूं और आराम से सारे बाल इससे रिमूव कर ले रहा हूं। निपल्स के जो पास का एरिया होता है वो थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, उसके ऊपर अगर हम ट्रिमर चलाते हैं डायरेक्टली तो कई बार उसमें कट लगने के चांसेस होते हैं, बट इस ट्रिमर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप में से बहुत सारे लोग मेरे ट्रिमर का लिंक मांग रहे थे। इसके बाद मैं अपने अंडर आर्म्स के भी बाल हटा देता हूं और ओवरऑल पूरी बॉडी के बाल हटाता हूं। इसके बाद मैं अपने शोल्डर्स के भी बाल हटाता हूं। आई नो कि मुझे लेजर ट्रीटमेंट कराना है अपने बैक एंड शोल्डर्स पे, आप में से काफी सारे लोग पूछ रहे थे, तो मैं जल्दी कराऊंगा और उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगा, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। इसके बाद मैं अपनी बैक के बाल रिमूव करता हूं, क्योंकि मेरे बैक में बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ हो जाती है और मुझे उसमें बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बैक के हेयर रिमूव करने के बाद अब बारी आती है प्राइवेट एरिया के बाल रिमूव करने की, तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ अर्बन गबरू का हेयर रिमूवल स्प्रे, जिसको मैं अपने प्राइवेट एरिया के पास अच्छे से अप्लाई कर रहा हूँ। बॉल्स के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे 10 मिनट लगाने के बाद मैं स्पैचुला की हेल्प से वहाँ के सारे बाल रिमूव कर लेता हूँ। सबसे ईजिएस्ट एंड सेफेस्ट मेथड है हेयर रिमूवल का। इसके बाद मैं अपने हाथ अच्छे से वॉश कर लेता हूँ। अब बारी आती है नेल कट करने की। मैं अपने नाखूनों को थोड़ा सा गीला कर लेता हूँ बिफोर कटिंग माय नेल्स, इससे नेल्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत ही ईजिली कट हो जाते हैं। नेल फाइलर की हेल्प से नेल के जो एजेस होते हैं उनको भी मैं स्मूथ कर लेता हूं। ये बहुत ही जरूरी स्टेप है जो कि मोस्टली लड़के स्किप करते हैं। अब बारी आती है शावर रूटीन की। सबसे पहले मैं अपनी पूरी बॉडी को वेट कर लेता हूं, जिससे कि शरीर में जितने भी बाल चिपके हुए होते हैं वो सारे के सारे निकल जाते हैं और पता चल जाता है कि कहां पे बाल रह गए हैं, कहां से बाल प्रॉपर्ली क्लीन हो गए हैं। ये सब करते करते हेयर ऑयलिंग को हाफ एन आवर हो जाते हैं, इट्स टाइम टू क्लीन माय हेयर। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मामा अर्थ का भृंग आंवला शैम्पू। ये मेरे बालों को बहुत अच्छे से क्लीन करता है, तो मैं इसलिए इसको यूज़ करता हूँ। थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर के आप अपने बालों को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, 2 मिनट से ज़्यादा मत रखिए। उसके बाद जल्दी से पानी से रिंस कर लीजिए, क्योंकि आज मैंने ऑयलिंग बहुत अच्छे से करी थी इसलिए मुझे ऐसा लगा कि फर्स्ट हेयर वॉश के बाद मेरे स्कैल्प से ऑयल अच्छे से निकला नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा शैम्पू दोबारा लिया और स्कैल्प को मैं अच्छे से क्लीन कर रहा हूँ, जिससे कि बचा कुचा ऑयल मेरे स्कैल्प से क्लीन हो जाए प्रॉपर्ली। शैम्पू करने के बाद अब बारी आती है कंडीशनिंग की, तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वाव स्किन साइंस का राइस वाटर कंडीशनर। अगर आप किसी अच्छे कंडीशनर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं देन डेफिनेटली यू कैन यूज दिस वन। कंडीशनर लगाने के बाद मुझे 5 मिनट तक वेट करना है, तब तक मैं अपना फेस वॉश कर लेता हूँ। फेस वॉश के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मामा अर्थ का ऑयल फ्री फेस वॉश, ही मेरा रिसेंट फेवरेट है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है या एक्ने प्रोन है देन डेफिनेटली यू कैन यूज दिस वन। ये ऑयल बिल्कुल भी जनरेट नहीं होने देता है आपकी स्किन पे फॉर एटलीस्ट 6 to 8 hours। मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन करता हूँ, उसके बाद इमीडिएटली मैं पानी से रिंस कर लेता हूँ, जिससे मेरा पूरा फेस अच्छे से क्लीन हो जाए। क्लीन करते टाइम मैं अपने बालों में लगा कंडीशनर भी धो देता हूँ। इंटरेस्ट मी गाइस, मेरे बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड लाइट फील करते हैं और ऐसा लगता है उनमें नई जान आ गई। अब बारी आती है बॉडी स्क्रब की। ये जो स्क्रब है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, स्पेशली इन स्किन वाइटनिंग और बॉडी से टैन को रिमूव करने के लिए। इसके लिए आपको चाहिए 1 कप मलका की दाल, जिसको हम लोग रेड दाल भी बोलते हैं। इसको आपको ग्राइंड कर लेना है। इसके अंदर आपको ऐड करना है 1 चम्मच बेसन, हल्दी और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। आप चाहो तो कोकोनट ऑयल भी मिक्स कर सकते हो। उसको पेस्ट बनाने के लिए हमें इसमें ऐड करना है मिल्क, और इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ एल्प्स गुडनेस का ऑरेंज पील पाउडर।
पाउडर जो कि आपकी बॉडी से टैनिंग को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसका ऐसा गाढ़ा पेस्ट बना करके आप अपनी जहाँ पे भी आपको टैनिंग हो रखी है या फिर डार्क स्किन की प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। जो हमने इसमें लाल मसूर की दाल मिलाई है वो आपकी बॉडी के लिए नेचुरल स्क्रब का काम करती है, जितनी भी डर्ट और डेड स्किन होती है आपकी स्किन पे उसको रिमूव करती है, स्किन को ब्राइट करती है। बेसन और हल्दी तो है ही कमाल के, और इसमें जो मैंने ऑलिव ऑयल मिलाया है वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। जहाँ पे भी आपकी डार्क स्किन है जैसे कि कोहनी का एरिया, मतलब उनके घुटने बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, तो वहाँ पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको एवरी संडे टू संडे लगाना है, ट्रस्ट में आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा फर्क आएगा, आपकी स्किन डार्क से एकदम लाइट हो जाएगी, डेड स्किन और बॉडी टैनिंग की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। के बाद पूरी बॉडी को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, जितना भी स्क्रबर लगा हुआ है पूरे शरीर में सारा हटा लीजिए। एंड आई विल शो यू नाउ बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट, यू गाइस कैन सी मेरी कोहनी कितनी ज़्यादा क्लीन हो गई है, मेरी पूरी बॉडी चमक रही है, ऐसा लग रहा है मैंने पता नहीं क्या अप्लाई कर लिया है, इतनी ज़्यादा वाइट कभी भी नहीं लगी मेरी स्किन। और ये आती है बॉडी वॉश लगाने की, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ पियर्स का पोमेग्रेनेट फ्लेवर बॉडी वॉश। मैं यहाँ पे लूफा को यूज़ नहीं करूँगा, हैंड टॉवल को एज ए लूफा यूज़ करूँगा, क्योंकि लूफा बहुत ज़्यादा हार्श हो जाएगा, हमने ऑलरेडी एक बार अपनी बॉडी को स्क्रब किया हुआ है तो दो बार हमें स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को लूफा सूट नहीं करता है या जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है लूफा यूज़ करने के बाद रेड हो जाती है, तो ये हैंड टॉवल वाला लूफा यूज़ कर सकते हैं। जेंटल स्क्रबर का काम करता है, आपकी बॉडी को एक्सफोलिएट भी करता है, वो भी बहुत सॉफ्ट तरीके से। इसके बाद मैं अपनी पूरी बॉडी को अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ पानी की हेल्प से। बारी आती है इंटीमेट वॉश को यूज़ करने की, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ नाम्या का हल्दी चंदन इंटीमेट वॉश। थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर के अपने प्राइवेट एरिया के पास अच्छे से अप्लाई कर लीजिए, बट का एरिया बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा जर्म्स होते हैं और हाईली इग्नोर्ड एरिया है वो। पानी से अच्छे से वॉश करने के बाद अब बारी आती है एक क्लीन टॉवल से अपनी बॉडी को ड्राई करने की। क्लीन टॉवल मैंने इसलिए बोला है क्योंकि बहुत सारे लोग टॉवल को चेंज करना भूल जाते हैं। हर 5 to 6 डेज में अपना टॉवल ज़रूर चेंज करिए और अपनी बॉडी को भी ड्राई करिए प्रॉपरली, बैक को भी इस तरह से ड्राई करिए जिससे कि आपको बैक एक्ने की प्रॉब्लम ना हो। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। क्योंकि फेस्टिवल का सीज़न है और मुझे एक कार्ड पार्टी में जाना है, तो मैं अपनी स्किन की एक एक्स्ट्रा केयर करूंगा आज। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ डॉक्टर शेड्स का पैशन फ्रूट एंड सल्फर मास्क। मैंने रिसेंटली यूज़ करना इसको स्टार्ट किया है, एंड ट्रस्ट मी इट वर्क्स वंडर। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा जल्दी ऑयल जनरेट होता है और एक्ने हो रहे हैं, देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं वंस इन ए वीक, एंड 10 मिनट लगाने के बाद अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। जब तक ये मास्क ड्राई हो रहा है तब तक मैं अपनी बॉडी पे बॉडी लोशन भी अप्लाई कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वैसलीन का बॉडी लोशन। इस टाइम पे बॉडी लोशन अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती रहती है ड्यू टू लैक ऑफ मॉइस्चर। क्योंकि दिवाली का फंक्शन है तो मैं यहाँ पे इंडियन पहन रहा हूँ, मैं यहाँ पे पहन रहा हूँ मान्यवर का कुर्ता पजामा और मैक्रोमैन का अंडरवेयर। इसके साथ साथ मेरा फेस मास्क भी ड्राई हो गया है, अब इसको जल्दी से क्लीन कर लेते हैं। जब भी मैं इस मास्क को लगाता हूँ मेरा फेस बहुत ज़्यादा लाइट एंड फ्रेश फील होता है। यू गाइस कैन सी मेरी स्किन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है ये सारी छोटी छोटी चीज़ें करके। अब मैं यहाँ पे फटाफट से कपड़े पहन रहा हूँ क्योंकि आई एम रनिंग सुपर लेट। दिवाली का जो ये टाइम है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि हम सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ये टाइम इन्जॉय करते हैं जिनसे हम बहुत टाइम से नहीं मिले होते हैं। इसके बाद मैं अप्लाई कर रहा हूँ अपने फेस पे डॉक्टर शेड्स की विटामिन सी मॉइस्चराइजर। ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है, ट्रस्ट मी इट वर्क्स वंडर। मैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, एंड नेवर स्किप योर सनस्क्रीन। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ रीक्विल की सनस्क्रीन जो कि वाइट कास्ट आपकी स्किन पे नहीं छोड़ती है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव दिस वीडियो लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।